वाटर सोल्यूबल बेसिस या फिर आप कह सकते हैं एल्कलाइज बहुत सारे बेसिस वाटर में डिज़ोल्व ही नहीं होते लेकिन कुछ बेस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के और इन बेस को हम एल्कलाइज़ कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऐसे बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएँ वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वो एक एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं और ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस हम एक्वा सॉल्यूशन में ही परफॉर्म करते हैं एंड नेक्स्ट इस चैप्टर में हम वाटर सोल्यूबल बेसिस के बारे में ही डिस्कस करेंगे जिन्हें हम एल्कलाइज कहते हैं